हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल झटपट बिल्कुल आसानी से ब्रेड ढोकला। तो देखिए, अगर आपका ढोकला खाने का मन कर रहा है, आपके पास अगर उतना टाइम नहीं है या फिर आपको बच्चों को टिफिन में देना है, तो आप इस तरीके से ब्रेड के ढोकले झटपट 2 मिनट में तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल क्विकली ईजिली तैयार हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हमने ये 3 ब्रेड की स्लाइसेस ली है। तो ब्रेड की स्लाइस के जो कॉर्नर्स है उसको हम कट कर लेंगे। ये कॉर्नर्स आप यूज में ले सकते हैं, इसके ब्रेड क्रम्स आप बना सकते हैं। तो देखिए, सारे ब्रेड के हमने कॉर्नर्स को कट कर लिया है। तो एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे। ये हमने ग्रीन चटनी ली है, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और आप चाहे तो, अगर आप जैसे घर में ग्रीन चटनी बनाते हो, खाना पसंद करते हो, उस हिसाब से वैसे चटनी इसके ऊपर स्प्रेड कर सकते हो। तो ये ग्रीन चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। इसके ऊपर हम दूसरे ब्रेड के स्लाइस को रखेंगे। इसमें हम, ये हमने दही लिया है, तो दही हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब ये जो तीसरी हमारी ब्रेड की स्लाइस है, इसके ऊपर हम, ये हमने रेड चटनी ली है, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पे टमाटो केचप का भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हम स्लाइस को रख देंगे। अब ये ब्रेड की स्लाइस को हमें कट करना है। तो जैसे ढोकले का शेप होता है, उसे हमें इसी तरीके से करना है। तो ये ब्रेड को हम इस तरीके से 4 पीस में कट करेंगे, देख सकते हैं। तो अगर आपको ढोकला खाने का मन कर रहा है, तो आप इस तरीके से ब्रेड से 2 मिनट में ढोकला तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इंस्टेंट ढोकला है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये ढोकला है, तो इसके लिए हम इसका तड़का भी रेडी करेंगे। गैस पर बर्तन में हमने ये 1/2 चम्मच ऑयल लिया है। इसमें हम थोड़ा सा काले सरसों ऐड करेंगे। सरसों चटकने पर ये हमने 4 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च में हमने बीच से 1/2 कट लगा लिया है। थोड़ा सा फ्रेश करी पत्ता ऐड करेंगे, 1 पिंच घी, 2 पिंच हल्दी पाउडर, 1/4 इसमें अब हम पानी ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो देखिए, हल्दी को हमने ऑयल में पहले फ्राई कर लिया था, इसलिए हल्दी हमारे इसमें बिल्कुल भी कच्ची नहीं लगेगी। तो इसमें चीनी मेल्ट हो चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तड़का रेडी है। तो ये जो हमारे ब्रेड के ढोकले हैं, इसके ऊपर जो हमने तड़का रेडी किया है, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। इस तड़के से ब्रेड का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा और ब्रेड हमारी एकदम सॉफ्ट स्पंजी हो जाएगी। अभी हमने थोड़े बेसन की सेव ली है, वो हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। तो देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप इसे बेसन के सेव से गार्निश करें। आप चाहे तो सूखे नारियल से भी कर सकते हैं, या विदाउट बेसन के सेव या नारियल के भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये, और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजिली बनकर रेडी हो जाते हैं झटपट। तो लीजिए हमारे बिल्कुल झटपट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी स्वादिष्ट ब्रेड ढोकला सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ढोकला खाने का मन करे तो झटपट आप इस तरीके से ब्रेड के ढोकले बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बिल्कुल सिंपल है इसे बनाना। तो ज़रूर इसे घर पर एक बार ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने प्यारे से कमेंट हमें भेज सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।